ओके सर, सबसे पहले तो क्या कुछ कहना चाहेंगे, आज एक नया ओटीटी लॉन्च होने वाला है, आपकी चीज भी आ रही है, जैसे कि हम देख पा रहे हैं आप परी के अंदर तो नजर आ रही है. So basically, this is not the usual Paris that we see. This Paris is a very girl next door. I guess her story of her journey will be something to talk about. So it's a very inspiring story, very motivational story. There's no fiction in it like we usually see in the Paris stories, but it's a very basic, realistic story showing the struggles of how a newcomer in the metropolitan city of Mumbai comes to achieve her dreams on her own terms, following her morals. And that's what Pari Hume is all about. And aap kya kuch kehna chahenge ki sandar mein nazar aayega? This is a very innocent story, a bahut hi innocent story hai. This is very inspirational aur ye bahut bada message bhi hai kai logon ke liye, kyunki hum apni industry ko bahut judge karte hain, log bahut dar jate hain is industry se. पर ये स्टोरी आपको बताएगी कि डरने वाली कोई बात नहीं है. इट्स अप टू यू, आप कैसे इस इंडस्ट्री में आते हो और कैसे काम करते हो. परी से कुछ याद आ रहा है, बचपन की यादें कुछ आई है, बिकॉज यू नो सोन परी से आपने बहुत लंबा वक्त सोन परी को दिया है. याद है सोन परी साल में झांसी की रानी. अच्छा, झांसी की रानी. हाँ, तो कैसा रहा आपका अनुभव और परी, जैसे कि लोग कह रहे हैं, अपने किरदार के बारे में बताइए क्या है. So Pari is, as I said, a very girl next door, very innocent, very bubbly, chirpy. Ghar ki ladli hai basically. She is in the small city of Varanasi and topper hai, intelligent bhi bahut hai. But she has a passion for acting which she wants to continue professionally. So how वो अपने parents को पहले convince करती है, you know, small town में that is a very big thing कि मुझे मुंबई जाके acting करनी है. So how she convinces her parents, मुंबई आती है, पीजी में रहती, सना से मिलती है, सना उसे लेसन्स देती है कि इंडस्ट्री में कैसे सर्वाइव करना चाहिए. शी एक्सप्लोर्स अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम अ स्मॉल टाउन गर्ल्स पॉइंट ऑफ व्यू. तो बहुत ही रियलिस्टिकली और बहुत ही छोटे प्यारे इंस्टेंसेस भी हमने शो किए हैं. अ वेरी रियलिस्टिक वन की यू नो पीजी में रहना या जहाँ तक पानी खत्म हो जाना. एंड यू नो एक वाराणसी में लड़की जो रहती है उसके लिए दिस इज लाइक व्हाट, पानी खत्म हो गया. सो इट इज़ ऑल अबाउट दैट. एंड कैसे वो अपने मॉरल्स पे खड़े रहकर कॉम्प्रोमाइज किसी भी वे में नहीं करती है. बट शी स्टिल अचीव्स हर ड्रीम्स ओनली ऑन द बेसिस ऑफ दैट. ओके, अगर इस कैरेक्टर के ऊपर बात करूं, कितना रिलेट कर पाते हैं इस कैरेक्टर से, ये कैरेक्टर से कितना आप दोनों रिलेट कर पाते हैं, सना के कैरेक्टर से, आप परी कैरेक्टर से, आप सो टेल अस अबाउट. I would say I very much relate to Pari because again I didn't have any links when I came into this industry, even though I started off at a very young age. And then again, I've always stayed true to the morals. Because my parents are always with me. So that way, I would say, just nazariye se Pari is industry ko dekhti hai. Usi nazariye se Ashnoor bhi is industry ko dekhti thi. And it was a dream for me as well, which I guess I've somewhat achieved. So yes, I do relate to her. मैं बहुत ज़्यादा रिलेट करती हूँ परी से, बिकॉज मैं भी एक स्मॉल टाउन से हूँ. आई कम फ्रॉम हिमाचल सोलन से और अब मैं बॉम्बे में रह रही हूँ पिछले 2 साल से एंड आई एम वर्किंग. सना से भी मैं कुछ हद तक रिलेट करती हूँ, बट आई लव सनाज कैरेक्टर. शी इज़ अ वेरी स्मार्ट वुमेन, शी नोज क्या करना है क्या नहीं करना है, प्रॉब्लम में कैसे किसी को फंसाना है और कैसे निकालना भी है. एंड वो टाइम अगेन एंड अगेन परी को भी लेसन्स देती रहती है, क्योंकि कई चीज़ें आपको आपके दोस्त और फ्रेंड्स ही सिखाते हैं. लाइक मुझे, आई एम वेरी न्यू टू बॉम्बे, जब मैं शिफ्ट हुई थी मैं, मेरा कोई पर्सनल लिंक था ही नहीं यहाँ पर. माई फ्रेंड्स एंड पीपल हैव ऑलरेडी वर्कड इन इंडस्ट्री, दे हैव हेल्प मी. इस सीरीज में अश्नूर हेल्प मी इन लॉट ऑफ सीन्स. सो या लाइक आई कैन रिलेट टू बोथ ऑफ द कैरेक्टर्स. Not at all, because I never had the dream of joining the industry, because I started off when I was 4.5-5. Us time to aapko pata bhi nahi hota aapka favorite subject kaun sa, so you don't know what you want to do in life. But it just happened coincidentally. I'm from Delhi, we came to Mumbai because of dad's transfer in his job, and it just coincidentally started. And I would say destiny pulled me towards itself. बट मैं ये जरूर कहूँगी कि टचवुड थ्रू आउट माई जर्नी, इट्स बीन 13 years नाउ, आई हैव ऑलवेज हैड द सपोर्ट ऑफ माई फैमिली एंड नॉट फॉर अ सिंगल डे दे वर लाइक कि आर यू श्योर एक्टिंग नहीं करनी है. एंड आई
because you know this is very rare when parents have confidence in you and they give you that support. So I guess I would say in that matter I've always been very lucky. Well, last time we were talking, you said something new and something challenging. I've shoot this before. I've already currently I'm on a little break. I'm working on myself and इसीलिए मैं short term projects कर रही हूँ, be it music albums or the web series like Pari Hume. But yes, I'm just preparing myself right now and whenever I get anything concrete, I'll definitely let you guys know. बिल्कुल नहीं. आपने follow नहीं करी so. I guess I've seen some snippets of Tejasvi Di on Instagram and I guess she's really cute and entertaining at times. I mean, I don't know how she's playing, but I find her really cute. मैं नहीं follow कर रही. मैं खुद reality show से आई हूँ और एक बार आप खुद reality show कर लो फिर आप नहीं देखते. Well, Abhishek ऊपर तो कई सारे contestants हैं, MTV से कई सारे contestants हैं, anchor, videos उसके अंदर गए हैं. मुझे टाइम ही नहीं मिला एंड आई होप प्रतीक और सिम्बा दोनों ही अच्छा कर रहे हो. जहाँ तक मुझे सुनने में आया दोनों अच्छा कर रहे हैं एंड आई होप वो करते रहे. राइट नाउ नो थॉट टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरा पूरा ध्यान एक्टिंग पर है और मैं उसी के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रही हूँ. अभी रियलिटी शोज नहीं, आई वॉन्टेड इट एज अ स्टेपिंग फॉर दिस इंडस्ट्री, वो मैंने किया. बाद में कभी होगा तो देखा गया, बट अभी कोई तो नहीं. अरे इमरान, मिक्स लाइट क्यों मार रहा है? कांग्रेचुलेशंस पर जाओ. तो उस तरफ जाइए. अरे एक मिनट, हमारी टेक्निकल टीम, जिगर जी, बिलर जी, हमारी ऐप टीम, आइए ना, आइए. चलिए एक बार सब इधर देख लीजिए. इधर मैं दिख रहा हूँ. अरे आइए मत करो.
ज्ञान जी का पेमेंट कटेगा। Congratulations. Kishan. इनकी बाजू में चांदपुर Right, right.